पर्यटन नगरी मनाली में इन दिनों भारी रश है। जिस तरह से निचले इलाकों में गर्मी बढ़ रही है, सैलानियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लाखों की तादाद में यहां सैलानी पहुंच रहे हैं। सैलानियों का कहना है कि मनाली किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। मुंबई से आए सैलानियों का कहना है कि हमने बर्फ के दीदार फिल्मों में ही देखे हैं। आज पहली बार रोहतांग में बर्फ को इतने करीब से देखा। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फ से ढके पहाड़ तो इस तरह से लग रहे हैं जैसे पहाड़ों ने सफेद चांदी की चादर ओढ़ रखी है। बर्फ के दीदार के साथ हमने बहुत सी एक्टिविटी की। सच कहूं तो ऐसा लग रहा था कि किसी जन्नत में पहुंच गए। बहुत सी मस्ती की बच्चों के साथ, बर्फ के बीच में बहुत ही अच्छा लगा। मुंबई में तो इतनी गर्मी है कि बता ही नहीं सकते। साथ ही में सैलानियों का कहना था कि मनाली के लोगों का यहां खाना सबसे अच्छा है। कहां से आए आप? मुंबई। तो आप रोहतांग घूम के आए? हाँ। किस तरह का लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा हमें जी। वहाँ क्या क्या देखा? वहाँ पर बर्फ देखे, स्केटिंग किया। ये तो अपना फॉरेन से भी अच्छा लगता है। okay. अपना इंडिया में ऐसा स्विट्जरलैंड वगैरह जो जैसा हम लोग मूवी वगैरह में देखते हैं, वो यहाँ पर अपने इंडिया में वैसा सीन है। यहाँ का बहुत बढ़िया लगा। बेटा आपको कैसा लगा रोहतांग? बहुत अच्छा। अच्छा लगा? हाँ। क्या क्या किया था आपने? मैंने स्केटिंग की और खेला और ट्यूब स्लाइड। ओके। नाम क्या है बेटा आपका? अनवी। अनवी। ओके। आपको कैसा लगा रोहतांग? मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। उसकी सीनियरी तो मस्त थी और जाते वक्त में भी बहुत अच्छा ग्रीनरी भी दिख रही थी और बहुत सारे पेड़ अलग अलग देखे मैंने। और मैंने वहाँ पे भी बर्फ से खेला, इग्नू देखे। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय है, विजय सिंह। कहाँ से हैं आप? डेली। तो आप रोहतांग घूमने गए हैं क्या? हाँ, मैं रोहतांग घूम के आ गया। रोहतांग अभी 4-5 दिन पहले ही ओपन हुआ। कैसा लगा रोहतांग? टू अमेजिंग स्नो एंड स्केटिंग एंड ऑल इज अमेजिंग। बहुत अच्छा प्लेस है और बेसिकली राइडिंग इस टाइम पे अभी अवेलेबल, मतलब अभी जस्ट ओपन हुआ है और वहाँ पर जो ट्रैवलिंग है अभी स्टार्टिंग का बहुत अच्छा है। बहुत चीज़ों को लेकर बहुत कंफर्टेबल है। मैं तो ये बोलूँगा आप सब आओ और इस टाइम पर अगर स्नो देखना है तो रोहतांग ऑब्वियसली जाओ। अभी बहुत अच्छी स्नो है वहाँ पर। तो मालवाड़ी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मालवाड़ी के बारे में अब क्या बोलना चाहूँगा, मतलब कि मैं ये बोल सकता कि आप यहाँ पर आओ, आप यहाँ पे मनाली आओ, घूमो यहाँ मनाली के चीज़ों को देखो। यहाँ बहुत कंफर्टेबल है, रूम से लेके चीज़ें, राइडिंग से प्लेन के लिए चीज़ों को लेके, वेदर को लेके, इट्स टू अमेजिंग। दिल्ली के अंदर इस टाइम 44 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ पे जस्ट लाइक 14-15। मतलब ठंडी में, मतलब अभी हमने अटल टनल क्रॉस किया था और हमारे हाथ से लेके, मतलब माइंड पूरा स्वेलिंग हो गया था ठंड के मारे कि हाँ भाई अमेजिंग है। देन आई हैव नो वर्ड्स फॉर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर अमेजिंग ट्रिप, बट अमेजिंग ट्रिप था मेरा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मनाली से शालू की रिपोर्ट।